चलते आए हेलो, यहाँ एक पोखरा है, यहाँ पे एक भाई साहब हैं जो मछली पालते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इसका क्या कैसे क्या करते हैं, कैसे पालते हैं और क्या दाना देते हैं। आइए मेरे कैमरेमैन के साथ। और ये वो जगह है जो ये रात में सोते हैं, यहाँ पे गाइड करना पड़ता होगा क्योंकि यहाँ पे और आसपास में इधर बस यहाँ पे कुछ है नहीं, घर और नहीं है। ये भाई साहब बस यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, शायद नेटवर्क अच्छा चलता है यहाँ पे। अब हाँ ये देखिए, ये भाई साहब हैं। भाई साहब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा आ जाइएगा मेरे पास, एक वीडियो बना रहा है, थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना है, जानकारी चाहिए। अभी आप क्या कर रहे थे, कौन सा काम कर रहे थे? मछली पोसते हैं तो घास उस भी खिलाना पड़ता है। मछली घास उस भी खा जाती है? हाँ हाँ ये सब दाना वाना भी डालते हैं कि? हाँ दाना भी डालते हैं डेली बाई डेली, तो पहले राख है कुछ डालना होता है और अभी घास भी डालते हैं शाम के टाइम में, ये सब भी खा जाती हैं सब। ये भी क्या है कि साफ पोखरा है, इसमें घास उस तो होता नहीं है, तो अपने से ला के ऐसा दाना होता है, देखिए खा रही भी रही है सब। अच्छा अच्छा हाँ 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 और ये पानी यहाँ तक था कि पानी उतना ही लेवल मेंटेन रखता है या कम बेस भी होता रहता कम है? कम होता है, सूखता रहता है, उससे तो इफेक्ट होता है कि नहीं मछली? हाँ मछली मरती है, पानी कम होता है, ऑक्सीजन का भी प्रेशर कम हो जाता है, तो हम लोग नया पानी भी एक्सचेंज करते रहते हैं। अच्छा अच्छा बोरिंग से पानी डालते होंगे ना? हाँ अच्छा अच्छा और ये पूरा एरिया मतलब आप अकेले ही इसको पूरा संभाल लेते हैं, पूरा दाना डाल देते हैं? हाँ दाना डालने में क्या है, एक जगह भी डाल सकते, 3-4 जगह डालना होता है, पूरा थोड़ी खींचना होता है। वो बाउंड्री साइड साइड में जाके कहीं भी छोटा था। हाँ हाँ डाल लेते हैं। ये यहाँ से क्या मछुआरा आते हैं मार के ले जाते हैं, कैसे क्या होता है? अभी तो पालन पोषण हो रहा है। अच्छा। अभी बड़े होंगे सब तो बुलाया जाता है, व्यापारी वगैरह आते हैं यहाँ पे, एक ही बार जाल लगता है। अच्छा। निकाला ये जाता टेंट है। के हिसाब से लग रहा है आप यहाँ रात को ठहरते हैं? जी जी ये क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा देख दिखाव रखना पड़ता है, है सब जानवर भी आ सकते हैं, कुछ कोई पॉइजन वॉइजन भी डाल सकता है, इसलिए सबका ख्याल। हाँ डर, इसका डर बना जी, रहता जी, है जी, डर बना रहता है, इसलिए देखने के लिए देखभाल तो जरूरी है आजकल, आप जानते ही हैं। अब कौन कौन सी मछली है इसमें? जी इसमें रेहू है, ग्रास है जी, और काला कमल कांत भी है, मिक्सिंग मछली है सब। अच्छा जैसे सब सब बच्चा ला के डालते हैं? हाँ हाँ बच्चा लेकर डाले थे, छोटा छोटा बच्चा आते हैं। यहाँ तो व्यू वैसे मस्त है, आप मतलब आपका टाइम भी पास अच्छा होता होगा यहाँ पे? अजी अपना रोजगार यही है, तो अब व्यू क्या देखना है और क्या टाइम पास क्या देखना, हमारा यही काम है, हमको तो ये करना पड़ेगा, तो ये खुद ही मन बनाया है, तो क्या नजारा भी मतलब फायदेमंद है या नहीं है? हाँ, बहुत फायदेमंद है, बिना फायदे का हम क्यों यहाँ पे टाइम अपना स्पेंड करेंगे इसमें? अगर आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई इसको, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं आप जान रहे हैं जी जी, तो अगर कोई देख रहा होगा तो उसको क्या बोलना चाहेंगे कि मछली का काम करना? हाँ, बहुत अच्छा है आजकल, देखिए कुछ साल पहले उतना लोगों में उतना ये नहीं था, जागरूक लोग नहीं थे इसके बारे में, इसके बारे में उतना नहीं थे, लेकिन अभी क्या है ना मछली लोग खा भी रहे, देख रहे हैं आप कभी मार्केट में जाएंगे तो भी महंगाई भी कितनी हो गई है, पहले नहीं था इतना, बहुत कम लोग बर्फ वाला मछली खा लेते हैं जो बाहर। अभी लोगों का शौक बढ़ गया है, थोड़ा ताजा फ्रेश खाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग इसमें ठीक है, हम लोग को भी कुछ पैसा आ जाते हैं और लोगों को सहायता भी हो जाता है इस चीज में, ताजा ताजा जी जी के लिए। और भाई साहब आप इधर मतलब ये हमारे संग साथी हैं, कभी कभी आ जाते हैं मिलने मिलने के लिए। नहीं यहाँ पे इनके लिए तो बेहतर है, मिलने मिलने के लिए मौसम जो है वो बढ़िया है। नहीं हमारा सहयोग भी करते हैं, काफी सहयोग करते हैं, दाना होना भी दाना होना डिस्ट्रीब्यूट अगर कहीं से लाना होना होता है तो यही लेके आते हैं, हमको तो क्योंकि रुकना पड़ता है, पोखरा पे ध्यान देना पड़ता है। तो अभी आप पालन पोषण कर रहे हैं, इसको तो बेचना नहीं है? नहीं तो आप? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो छोटी छोटी है, कितना भी 1.5-2 महीना हुआ है अभी डाल के। आइए थोड़ा सा करीब से देखते हैं मछली, थोड़ा और चलिए नजदीक देखते हैं इसको, अभी तो मछली पास नहीं है, देख लेते हैं, देखते हैं नजर आ जाए तो बेहतर है। मछली नहीं दिखाई देगी, सब छोटी छोटी है अभी तो, छोटी छोटी मछली। घास ही आप खुद डाले हैं इसमें? नहीं नहीं हम खुद डाले हैं इस गुला के, मतलब मछलियाँ खा लेती हैं। देखिए मछली खा भी रही है, देखिए देखिए हिल रहा है, मछली खाते हैं सब, घास खिंचाव हो रहा है जी जी जी, देखिए हिल रहा है सब, खाते हैं सब। ये इसका इसका क्या नाम है, ये कौन सी? इसको तो भोजपुरी में इससे ऐठा बोलते हैं। ये सब अपने से आए हैं, इसका कोई पालन पोषण? हाँ शायद इससे इससे मछली भी मारा जाता है, वही चीज है, वही है वही है, बढ़िया है।
कितना मछली लगा। चलिए ये मतलब व्यू एक बार देख लीजिए कैमरा भाई, दिखा दीजिए आप पूरा। आइए और कुछ बात करते हैं आपसे। तो कितना इन्वेस्ट किए हैं, कितना इसमें मछली आप डाले हुए हैं? जी 80 केजी डाले हुए हैं, 80 किलो मछली अभी डाले हुए हैं, बच्चे हैं सब, ये नहीं डाले हैं। और इसको क्या अंदाजा है कि 80 किलो डाले हैं तो कितना केजी का, मतलब इसका कोई अंदाजा होगा ना आपके पास? हाँ, कितना दाना लग जाएगा, कितना बचत? दाना का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत लगता है उसके बारे में, अभी क्या आपको बताया, बहुत ज्यादा लगता है। कुटिया में बैठ के तुम बात करते हैं, आपका जो है वही बहुत बेहतर बना। अरे नहीं, इसमें ये गरीब का कुटिया है, इसमें कैसे भी दिन काटा जाता है, एक बारिश और धूप के लिए बस, बाकी पेड़ के छांव में ही बैठते हैं। अच्छा, ये रात के बस बसेरा नहीं, अभी तो बहुत बढ़िया है। जैसे देहातों में मतलब है कि पढ़ाइए कम, मतलब रोजगार ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा कीजिए, तो वो बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिजनेस तो कभी भी बेहतर है जी, है ना जी जी। तो इसका कितना मतलब बेनिफिट हो जाता है, कैसे आप बेनिफिट इसका निकालते हैं, कितना टर्नओवर? बहुत सारी मछली 80 केजी डाले हुए हैं, सब बची नहीं जाती हैं, कुछ नुकसान भी हो जाता है इसमें, कुछ खुद मछलियां भी खा जाती हैं, कुछ बचता है, फिर भी बहुत काफी सारा है जो बचती हैं, बड़े होकर क्विंटल में होता है, बहुत बढ़ावा होता है, 8-10 क्विंटल से ऊपर जाता है मछलियाँ। और हमारा पोखरे का भी थोड़ा सा ज्यादा स्क्वायर में है, तो उसमें आजादी मिलती है और बढ़ने का थोड़ा सा। तो हमको तो ये पोखरा देखने से लग रहा है कि ये निजी है या मतलब? नहीं नहीं, निजी नहीं है, इसको हम लोग डाक कराए हुए हैं। अच्छा, ये जी जी जी, ये निजी अपना नहीं है, ये डाक कराया जाता है अपने नाम से, और इसके लिए कुछ पैसा भी गवर्नमेंट का है, और इसमें हम मतलब समझ लीजिए एक तरह का किराए पे लिए हुए हैं इस चीज को। तो ये पहली बार आप मछली डाले हुए, इससे पहले बेनिफिट देख चुके हैं? देख चुके हैं, लगभग लगभग आपका कितना दिन में कितना हो जाता है आपका, कोई अंदाजा? देखिए इसमें टाइम लगता है, टाइम तो लगता है, पर बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट है, बहुत अच्छा बेनिफिट है। बहुत अच्छा बेनिफिट है, अच्छा बेनिफिट है, ये अच्छी बात है, हमारा सब चल जाता है इसमें, अच्छा है जी, बेनिफिट बहुत है। हम चाहेंगे कि अगर आपका कोई जानने वाला है तो अभी इसमें कराए, बहुत अच्छा बेनिफिट है, और बिजनेस भी अच्छा है, कच्चा सौदा है, पर दिक्कत नहीं होता है, मतलब क्या है ना कि इसमें लॉस होने का कोई चांस हमको तो नहीं दिखा है अभी तक। अच्छा, अभी मेरा ज़्यादा उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है इस चीज़ में, पर अगले बार जो मैंने अभी तो मेरा कहने का मतलब दूसरा बार ही है मेरा, अच्छा प्रॉफिट हुआ था, लॉस का कोई हमको ये नहीं दिखा, ठीक है, बेटर है, बहुत बढ़िया है, बाहर है। अरे ये तो ये नज़ारा एक बार दिखा दीजिए, फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं। चलो पॉज कर दो, पॉज कर देना जी। चलिए मेरा वीडियो हो गया, और दुआ कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए हमारे दोस्तों से जी। बेरोजगार वर्ल्ड बहुत देखिए, और बेरोजगार वर्ल्ड क्या, बेरोजगार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और इनका सहयोग कीजिए, नए युवक हैं इनका भी सपोर्ट कीजिए।